हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें पढ़ रहे थे हम लंग्स के बारे में। आगे चलते हैं लंग्स के पार्ट्स को पढ़ते हुए। हमने जनरल डिफरेंस कल पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था आपको ये जनरली हमने ट्रेकिया बनाया था और ये ट्रेकिया को हमने ऐसे बाइपार्टीशन कर दिया था। देन उसके बाद में मैंने आपको ये लंग्स जो हैं वो लंग्स बना के बताए थे, ठीक है, थोड़ा से हम ऐसे बनाना चाहेंगे, राइट। ये भी थोड़ा अजीब सा बन रहा है, लाइक ह्यूमन। ये एक लंग्स था, मतलब दूर मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। चलिए ध्यान देवे, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम इसके बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लंग्स के ऊपर क्या होती है, एक कवरिंग होती है दोस्तों। लंग्स के ऊपर क्या पाई जाती है, एक कवरिंग पाई जाती है। दोनों ही लंग्स के ऊपर क्या पाई जाती है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा कि कवरिंग पाई जाती है और उस कवरिंग को जो है दोस्तों, उस कवरिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा उस कवरिंग को प्लूरा के नाम से जाना, इस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा सर उस कवरिंग को जो है हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलकर चलते। क्लियर बात है। अब देखिएगा जो हमारी ये लंग्स होते हैं दोस्तों, वो किसके अंदर सेपरेट होते हैं, तो आपका जवाब होएगा सर ये जो लंग्स हैं वो हमारे एग्जैक्टली रिब्स के अंदर है, वहां पर है हमारी ये एग्जैक्टली। तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो लंग्स हैं हमारे रिब्स के अंदर होते हैं, बस कहानी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ये जो हमें पसलियां जिसे हम कहते हैं, दैट इज दोस्तों क्या कहलाती है, रिब्स कहलाती है, ठीक है भाई। चलिए सर इसके जो नीचे है वो एक डायफ्राम पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, डायफ्राम। और ये क्या है आपका, तो आपका जवाब होगा सर इसे हम बोलने वाले हैं डायफ्राम, बोलते हैं इसे डाइफ्राम बोलते हैं, डाइफ्राम भी बोलते हैं, जैसा आपको ठीक लगे कुछ भी कहते। क्लियर बात समझ में आ गई सर। आपने कल और पहले के सेशन में बताया कि ये जो बीच में गैप पाया जाता है, इस गैप को हम क्या नाम देते हैं, तो आपका जवाब था कि मीडिया स्टर्नम स्पेस रूम, क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, तो आप कहेंगे कि सर इसे मीडिया स्टर्नम स्पेस के नाम से जाना जाता है। बताओ यहाँ तक क्लियर है, किसी की कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना भाई। चले आगे, तो देखिएगा कुछ जानकारियां मैं आपको इसके बिहाफ पे लिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, है ना। सबसे पहली जानकारी मैं आपको यही बताता हूँ दोस्तों कि प्लूरा जो होती है वो एक प्रकार की कवरिंग है, इसकी है, तो आपका जवाब होएगा कि सीरस मेम्ब्रेन की ये एक कवरिंग होती है, तो हम ये कहेंगे कि प्लूरा इज ए कवरिंग, प्लूरा इज ए कवरिंग ऑफ लंग्स। लंग्स की क्या होती है, कवरिंग होती है, दैट इज जो कि किसकी है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सीरस मेम्ब्रेन की होती है, मतलब एक ऐसी कवरिंग जिसमें फ्लूड जो है वो फ्लूड आता रहता है, क्या आता रहता है दोस्तों, फ्लूड आता रहता है, ठीक। सीरियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फ्लूड को रिलीज करती है। अब देखो प्लूरा जो मैंने आपको बताई, इसमें थोड़ी जानकारी और आप सम्मिलित करेंगे तो आपको कुछ और बताता हूँ। प्लूरा है, प्लूरा भी दोस्तों दो पार्ट्स में मिलकर बनी होती है। प्लूरा भी क्या है आपकी, दो पार्ट्स से मिलकर बनी है, एग्जैक्टली जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक जो प्लूरा हमारे सामने है वो कितने हिस्सों में मिलकर बनी है, दो हिस्सों में मिलकर। जो प्लूरा क्या दोस्तों, जो प्लूरा आपकी किसके पास में है, जो प्लूरा लंग्स के पास में, मतलब ये अंदर वाली प्लूरा, इसे कुछ और नाम देते हैं और ये बाहर वाली इसे कुछ और नाम देते हैं। सर ये जो सीरियस मेम्ब्रेन था, पहले उसकी जानकारी थोड़ी सी हमें और लीजिएगा बेटा, ये जो सीरियस मेम्ब्रेन थी, ये फ्लूड था, म्यूकस था जो रिलीज कर रहा था, ठीक है, जो क्या कर पाता है, तो आपका जवाब होएगा कि ये सीरस मेम्ब्रेन लंग्स के बीच में फ्रिक्शन को नहीं होने देती, इसको नहीं होने देती है फ्रिक्शन, तो हम बता सकते हैं कि इट हेल्प इन
टू प्रिवेंट द इट हेल्प इन टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स में क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करवाने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सर आप प्लूरा, और प्लूरा जो होती है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। ऊपर वाली जो बाहर वाली प्लूरा है उसे हम बाहर वाली को नाम देते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली प्लूरा है उसको नाम देते हैं हम विसरल प्लूरा। भाई पैराइटल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा का मतलब ये होता है कि लंग्स की ये तो आउटर कवरिंग है, क्या है दोस्तों, ये तो आउटर कवरिंग है, और विसरल प्लूरा का मतलब है ये तो क्या है आपकी इनर कवरिंग होती है। क्लियर है दोनों बातें, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, तो हमें दोनों चीजें क्लियर करनी है। अब दोस्तों ध्यान देना, मैं डायग्राम पुनः नीचे लेकर आ रहा हूं और हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में गैप नजर आ रहा है हमें। क्या नजर आ रहा है दोस्तों? ये गैप नजर आ रहा है दोनों ही लंग्स में। आ रहा है क्या दोनों के बीच में दोस्तों? इस गैप को क्या, इस गैप को एक नाम दिया जाता है, और इस गैप का नाम क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि ये जो गैप है इसे नाम दिया जाता है दोस्तों प्लूरल स्पेस। क्या नाम देंगे? प्लूरल स्पेस। क्या मतलब हुआ? तो आपका जवाब होगा कि स्पेस बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल प्लूरा, कि विसरल और जो पैराइटल प्लूरा है इसके बीच के स्पेस को क्या नाम देते हैं? प्लूरल स्पेस नाम देते हैं। क्लियर है? इस प्लूरल स्पेस के अंदर, इस प्लूरल स्पेस के अंदर क्या भरा है? फ्लूइड भरा होता है। क्या दोस्तों? इस प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा होता है, और इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है डियर प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम दिया जाता है इसे? तो आपका जवाब होगा इसे नाम दिया जाएगा प्लूरल फ्लूइड। क्या मतलब हुआ? तो आप कहेंगे कि फ्लूइड इनटू द स्पेस ऑफ, क्या क्या लिखेंगे? स्पेस ऑफ प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर जो स्पेस है और जहां फ्लूइड है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। सर इस फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? तो बेटा ये बहुत सारा अमाउंट नहीं होता इसका, इसका नॉर्मल अमाउंट जो है वो कितना होता है? तो आपका जवाब होगा कि सामान्यतः दोस्तों इस फ्लूइड का जो अमाउंट है वो आपका 15 से लेकर 30 ml तक हो सकता है। ध्यान नहीं मेरी बात देखना सर, विसरल प्लूरा जो अंदर वाली लेयर है ना वो तो फ्लूइड बनाती है, और पैराइटल प्लूरा उसको एब्जॉर्ब करती है, मतलब बनता रहता है एब्जॉर्ब होता रहता है, पर बचता जो है ना वो होता है आपका क्या? तो आपका जवाब होगा उसको हम नॉर्मल अमाउंट या नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्लियर है बात है दोस्तों? कुछ जानकारियां, कुछ टर्म्स आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे इस प्लूरल स्पेस में, इस प्लूरल कैविटी में उससे ज्यादा फ्लूइड भर जाए तो हम नाम देते हैं उसे प्लूरल इफ्यूजन। क्या नाम देते हैं उसे? हम नाम देते हैं प्लूरल इफ्यूजन। क्या मतलब हुआ? तो आपका जवाब होएगा कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे दोस्तों? तो आप कहने वाले हैं कि सर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। क्या दोस्तों? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इनटू द प्लूरल कैविटी। क्या दोस्तों? प्लूरल कैविटी के अंदर अगर ये फ्लूइड भर जावे
ज्यादा अमाउंट में तो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे सर उसे हम प्लूरल डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है भाई बात, चलिए बहुत बेहतर है। अब इस प्लूरल डिफ्यूजन को ही कई बार दोस्तों हाइड्रोथोरेक क्या भी बोलते हैं इसे, हाइड्रोथोरेक। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर क्या भर चुका है, पानी भर चुका है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगर इस प्लूरल स्पेस में पानी की जगह नॉर्मल फ्लूड की जगह हवा भर जावे तो उसे क्या करें, तो ध्यान दें आप, उसे दोस्तों बोला जाता है न्यूमोथोरेक्स। क्या बोला जाता है, न्यूमोथोरेक्स। क्या मतलब होगा, तो हम ये कहेंगे दोस्तों एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। क्या दोस्तों, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर कहां पर, तो जवाब होगा इनटू द, कहां दोस्तों, इनटू द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में हवा का भर जाना न्यूमोथोरेक्स कहलाएगा। वही दोस्तों एक और बात, एग्जामिनर कहता है कि हीमोथोरेक्स, क्या बोलेगा, हीमोथोरेक्स। अब क्या बात हो गई, अब बात ऐसी हो गई कि एक्यूमुलेशन इस बार किसका हो गया, तो आप कहोगे कि सर यहाँ जो है ना एग्जैक्टली वो एक्यूमुलेशन किसका हो चुका है, तो हम कहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। क्या दोस्तों, ब्लड का एक्यूमुलेशन कहाँ, इनटू द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में ब्लड की एक्यूमुलेशन को क्या कहेंगे, हीमोथोरेक्स कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक और टर्म आती है जिसे बोला जाता है काइलोथोरेक्स। क्या बोलते हैं, काइलोथोरेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस प्लूरल स्पेस के अंदर ही क्या भर जाए दोस्तों, लिम्फ भर जाए। क्या भर जाए, लिम्फ। नेक्स्ट बता दीजिएगा एक्यूमुलेशन, क्या दोस्तों, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ इसके अंदर इनटू द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर क्या हो जाना, अरे बोलो भैया, लिम्फ भर जाना क्या कहलाएगा, आपका कहलाने वाला है, जवाब दो जवाब है, तो आपका जवाब होगा सबसे काइलोथोरेक्स कहने वाले हैं। ठीक है, क्या बात बताओ, ये सुन, देखो प्लूरल फ्लूड का अमाउंट आपको ध्यान रखना है नॉर्मली, और बढ़ जाए तो क्या, और कैसी कैसी सिचुएशंस आती, जब ये फ्लूड भर जाता है लंग्स में ज्यादा, तो हम क्या करवाते हैं, एग्जैक्टली हम क्या कराते हैं दोस्तों, हम उस फ्लूड को निकालते हैं। उसको निकालने के लिए दोस्तों एक प्रोसीजर किया जाता है, उस प्रोसीजर का नाम होता है इंटरकोस्टल ड्रेनेज। क्या बोलते हैं उसे, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। भाई इंटरकोस्टल ड्रेनेज का मतलब ये बनता है दोस्तों, ध्यान दे रहे आप, कि आपकी जैसे ये चेस्ट है और इसमें ये रिब्स हैं, क्या है ये, रिब्स हैं, तो यहाँ इंसिजन लगाया जाएगा और एक ट्यूब लगा देंगे सीधा ही कट करके, और फिर उस फ्लूड को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेटेड जो फ्लूड है उसे, और उसे बोला जाता है दोस्तों इंटरकोस्टल ड्रेनेज। क्या बोला जाएगा, इंटरकोस्टल ड्रेनेज के नाम से जाना जाएगा। चलिए भैया यहां तक बताकर चले, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास में ये एक लंग्स है, और जैसे हमारे पास में ये दूसरा लंग्स है, जैसे हमारे पास में ये डायफ्राम है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बेहतर है, ध्यान से सुनिए। जैसे हमारे पास में ये लंग की कवरिंग जिसे हम प्लूरा कह रहे हैं, और जैसे ये भी लंग की कवरिंग जिसे हम प्लूरा कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बेहतर। इसके अंदर क्या भरा है, तो हमारा जवाब है इसके अंदर फ्लूड भरा है। क्या भरा है, इसके अंदर फ्लूड भरा है। तो जो भाई इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूड भरा है। ठीक है, हाँ, अब लंग्स में क्या आती है दोस्तों, आप कहेंगे सर लंग्स में आने वाली हवा है ट्रेकिया से।
तो बात ये होती है कि लंग्स में जब हवा आएगी तो इसका प्रेशर क्या होगा और बाहर हवा जो है उसका प्रेशर क्या होगा। तो दोस्तों लंग्स में जो प्रेशर हवा का होगा, देखो लंग्स में नॉर्मली कितना प्रेशर होता है, ध्यान से सुनना। लंग्स में प्रेशर दो वेरी करते हैं, एक बार होता है 769 और एक बार होता है 761। जबकि एनवायरनमेंट का प्रेशर हमेशा कितना होता है, तो आपका जवाब होगा ये होता है 760 mmHg। ये भी mmHg नहीं, ये भी mmHg। लंग्स का प्रेशर बढ़ का ही रहा है, घट का है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक जानकारी दी थी जब मैं एल्यूराई पढ़ा रहा, एल्यूराई यहाँ देखिएगा, ये टूटता गया टूटता गया टूटता गया, और मान लेते हैं यहाँ एल्यूराई है। एल्यूराई जैसे ही पिचकती है ना, तो जब मम्मी रबड़ डालती है तो रबड़ है एक तरीके का एल्यूराई वैसा वाला, तो रबड़ को खींचते हैं वो बढ़ जाता है, और जैसे ही छोड़ दे एक बार बचीड़ जाएगा और फिर नॉर्मल रहेगा, होता है ना ऐसा? बिल्कुल एग्जैक्टली, एल्यूराई का फंडा भी ऐसा ही है। हवा आई और हवा से एल्यूराई भर गई। हवा आई क्यों? हवा इसलिए आती है कि यहां प्रेशर कितना बना, 769, 769 बना जब ही तो हवा आएगी ना, और हवा चली कब जाएगी, जब यहाँ प्रेशर 761 हो जाए। जब कम होगा तभी तो हवा आ सकती है, ज्यादा होगा तो कैसे है? तो जैसे ही सांस छोड़ा आपने, अब मेरी एल्यूलाई में प्रेशर क्या हो गया, कम, तो ऑटोमेटिक मैं क्या कर लूंगा, सांस ले लूं। क्लियर बात है? बहुत बेहतर, ध्यान से सुनना। आपने सांस आप ले लिए तब जब आपकी बॉडी में प्रेशर 769 होएगा, लंग्स में छोड़ेंगे कब, जब 761 होएगा। 69 होता ही क्यों है? इसलिए क्योंकि जब एल्यूलाई फुल भर जाती है तो कुदरत का ये खेल है, कुदरत का ये करिश्मा है कि ये क्या करती है, ऐसे पिचकती है, और जब ऐसे पिचकेगी जोर से पिचकके फिर पुनः नॉर्मल, जैसे नॉर्मल इतनी है, फुली 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 इतना फूल गई, अब पिचकने का टाइम आ गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगी, फट जाएगी एक तरीके से। हवा जो वाल है एल्यूलाई में वो खुलेगा, खुलते ही बाहर जाएगा, और बाहर जाते सट जाए फिर नॉर्मल आएगी। तो जब ऐसे होगी जोर से तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, तो जवाब होगा सर बढ़ेगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो 761 हो जाएगा और हवा तुरंत कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ऐसे दोस्तों लंग्स में हवा आती है और बाहर चली जाती है, ये मैकेनिज्म है, जिंदगी भर चलता है ना, पूरी लाइफ चलता है, फुल लाइफ, तभी तो स्वतः ही सांस आ जाती है और तभी तो स्वतः ही सांस चली भी जाती है। क्लियर है क्या बातें, बताओ ये सुनो। अरे बोलो तो सही, किसी के कोई डाउट है क्या, बता देना भाई, अगर किसी के कोई समस्या हो तो, है ना। बिल्कुल सिंपल है, फ्लूइड क्या काम कर रहा था, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ये बात है ना। दो लेयर थी ना, पेराइटल लेयर थी, विसरल, विसरल लेयर का मतलब ही ये होता है कि ऑर्गन के चिपकी हुई लेयर, ऑर्गन के चिपकी हुई लेयर क्या होती है, विसरल लेयर। क्लियर है दोस्तों? तो यह आपका क्या होता है, लंग्स जो है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स, वो कौन कौन सी मसल्स है जो सांस लेने में मदद करती है। तब तक के लिए धन्यवाद, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा, माँ पापा का प्यार और अपनों का साथ हमेशा रहे, उन अपने सभी साथियों को क्या कर दो, क्लास शेयर कर दो और उन्हें कह दो कि भाई जाग उठ और हमारे साथ का कुछ नया सीन, है ना। धन्यवाद, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।